हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने बनाई है सूजी और नारियल की बर्फ़ी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बहुत ही सिंपल सी और इजी सी बर्फ़ी है ये। नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक कटोरी सूखा नारियल लिया है, जिसे हम खोपा भी बोलते हैं, सूखा खोपा, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। सेम कटोरी मैंने नारियल लिया है सूखा, और सेम ही कटोरी मैंने चीनी की ली है, और सेम कटोरी मैंने सूजी ली है। मैंने इन तीनों का लेवल बराबर रखा है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले गैस के ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच घी के। ज़्यादा घी नहीं हमने यूज़ करना, थोड़ा ही घी यूज़ करेंगे। हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे ये 1 कटोरी सूजी, ये बारीक वाली सूजी है। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डाल लेंगे, एक साथ में सारी नहीं डालनी है। हमने सूजी को ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और आप सूजी को लो मीडियम गैस पर ही भूने, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना भूने। देखिए हमारी जो सूजी है वो भूननी शुरू हो गई है, और उसका जो कलर है वो हल्का येलो कलर आ गया है। अगर आपको नारियल की वाइट बर्फी पसंद है तो उसको कम भूने, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा हल्का सा येलो कलर कर ले, जैसे मैंने किया ऐसा कलर। अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए हमारी जो सूजी है वो भुन हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये पिसा हुआ नारियल, सूजी भूनने के बाद इसके अंदर हम नारियल डाल देते हैं। और नारियल को हमने ज़्यादा देर नहीं भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसकी जो नमी है नारियल की वो ख़त्म हो जाए। और देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं। जब तक हमारा नारियल और ये जो सूजी है ठंडी होती है, तब तक हम इसकी चाशनी की तैयारी कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, जिस कटोरी से हमने सूजी और नारियल लिया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी चीनी ले लेंगे, और उसी कटोरी का 1/2 कटोरी हम पानी डाल लेंगे। हमने इसकी एक तार की चाशनी बनानी है, तो अभी हमारी चाशनी वो तैयार बिल्कुल भी नहीं हुई है। हमने इसको और उबालना है, जब तक कि एक ताक की चाशनी नहीं होती है उसको हमने तब तक उबालना है। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक हम एक प्लेट, जब तक हमारी चाशनी तैयार होगी तब तक हम, जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक हम एक प्लेट ले लेंगे, उसको घी से ग्रीस कर लेते हैं। हमने एक प्लेट ले लिया है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, इसको ग्रीस कर लेते हैं। देखिए हमने इसको घी से ग्रीस कर लिया अच्छी तरह से, इसके चारों तरफ हमने घी लगा लिया है। और इधर हमारी जो चाशनी है
वो भी बनकर तैयार है। मैं आपको चेक करा देती हूँ एक बार, इस तरह से चम्मच में लेके और देखिए इस तरह से लगाएं। देखिए हमारी चाशनी वो एक तार की चाशनी बन के आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए इधर हमारी चाशनी वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम उसको गैस से उतार लेंगे और इसके ऊपर वो कढ़ाई रख लेंगे जिसके अंदर हमने सूजी और नारियल को भुनना था। अब हम धीरे धीरे अपनी जो चाशनी है वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से चाशनी के अंदर हमने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए हमारी जो चाशनी है और सूजी और नारियल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में जिसमें हमने ग्रीस घी को ग्रीस किया था उसके अंदर डाल लेंगे। देखिए मैंने जो सारा नारियल है मिक्स किया था चाशनी के अंदर उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है जिसमें हमने घी को ग्रीस किया था। अब हम इसको इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे। तीस से 40 मिनट के लिए जमने के लिए रख देते हैं और हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस कर देते हैं। अब इसको हम 30 से 40 मिनट के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो गाइस देखिए हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से जमनी शुरू हो गई है और वो ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, हल्का सा गुनगुना ही है। अब हम इसके थोड़े पीस निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसके पीसेस के निशान लगा दिए हैं इस तरह से, देखिए। पर ये अच्छी तरह से अभी जमी नहीं है, नीचे से जिसके जो नीचे का तली है वो अभी कच्ची है, जमी नहीं है, इसलिए इसको अभी हम आधे घंटे के लिए और रख देते हैं। देखिए हमारी जो बर्फी थी जब मैं वो आधी जम गई थी तो मैंने इसके पीस निकाल दिए थे और अभी अच्छी तरह से जम चुकी है। अब मैं इसके पीस निकाल के आपको दिखाती हूँ। एक बार आप प्लेट को इस तरह से हल्का सा घुमा लें ताकि हमारे जो कोई बर्फ़ी का कोई पीस है वो नीचे चिपका हुआ हो तो आसानी से उतर जाए बगैर टूटे। और चक्कू की सहायता से देखिए इसके पीस हैं वो आसानी से निकल गए हैं। तो गाइस देखिए मेरी सूजी और नारियल की बर्फ़ी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मार्केट की जैसे बनी है हलवाई के स्टाइल में। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।